हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड, हमने कंप्यूटर पे काफ़ी वीडियो बना रखी है। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमें आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, मशीन से निम्न स्तर तक, कोडांतरण के से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ऑप्शन तो देखा ही नहीं, ऑप्शन है कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही है, कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मल्टीप्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए या आप 5 सेकंड तक मैं रुकूंगा ऑप्शन आंसर ही आंसर बताने से पहले। आप आंसर खुद से बनाइए, अगर आप खुद से आप मन में बनाएंगे कि इसका ऑप्शन बी सही है, सी सही है, जो भी सही है, तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं इसका, यहाँ पे बी को आंसर सही है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, सभी कथन सत्य हैं। चलिए आंसर देखते हैं, बी ऑप्शन सही है, माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से आर्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, सीडी रोम, बबल मेमोरीज। चलिए आंसर देखते हैं, सी ऑप्शन सही है, सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, बी है मेमोरी यूनिट, सी एएलयू, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा राइट आंसर। देखते हैं आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है प्रोसेसर, बी है प्रोग्राम, सी है प्रोटेक्टर, डी है इनपुट डिवाइस। चलिए आंसर देखते हैं कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या हैं? ऑप्शन है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी है इनमें से कोई नहीं, डी इन कंट्रोल यूनिट और रैम। आंसर देखते हैं, बी ऑप्शन सही है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, ए इनवाइस बनाता है, बी डेटा डिलीट करता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग की करता है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, सी ऑप्शन सही है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। देखते हैं आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन है बेसिक, बी पायलट, सी जावा, डी लोगो। तो आंसर देखते हैं फ्रेंड्स इसका, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, लोगो। तो फ्रेंड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अभी चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रभु मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन सही है इंटेल, बी विशेष कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ऑप्शन है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा, फोरट्रान भाषा। आंसर देखते हैं, सी ऑप्शन सही है, मशीन भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए मेमोरी डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिस्क डी ये सभी। राइट आंसर देखते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, बी है सी डबल एस, सी सी डी बेसिक। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ए ऑप्शन सही है, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन है गीगाबाइट, बी है बिट, सी है मेगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं, बी ऑप्शन सही है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी कोबोल, सी बेसिक, डी पास्कल। आंसर देखते हैं, ए ऑप्शन सही है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऑप्शन है एएलयू, बी सिस्टम बस, डी सी सॉरी एएलयू बी सिस्टम बस, सी इनपुट यूनिट, डी प्राइमरी मेमोरी। आंसर देखते हैं, बी ऑप्शन सही है, सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी प्रिंटर, डी मॉनिटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, मॉनिटर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1854, 1964, 2004। तो इसका राइट आंसर होगा 1964। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मदरबोर्ड में के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? ऑप्शन है सीमॉस या कैमॉस, बी फ्लैश मेमोरी, सी पेरिफेरल्स, डी बस। आई होप आपने जितने क्वेश्चन बताए उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही गए, और 10वां का सही क्वेश्चन आंसर है बस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।